हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सागर और फिर से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं अपने इस बारक्राफ्ट इंफोटेक यूट्यूब चैनल में, जो एक इंस्टीट्यूट है। हम लोग यहां पे टीचिंग देते हैं। तो आज का जो वीडियो है, इसमें हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल में सम का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी आपको आज दो तरीका बताऊंगा एक्सेल में फॉर्मूला को इस्तेमाल करने का। तो पहला फॉर्मूला जो सबसे बेस्ट, सबसे मज़ेदार होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है, तो पहले फॉर्मूले में जाते हैं और पहले फॉर्मूले के अनुसार से हम, ये मेरे पास एक चार्ट बना हुआ है जिसमें यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कुछ, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मतलब कि स्टूडेंट है ये और उनका ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में उन्होंने इतना इतना मार्क्स लाया है। फाइनल आपको जोड़ना है हर एक नंबर को, तो किस तरह से आप जोड़ेंगे। पहला तरीका है इसका कि आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। तो जिस जगह में आपको रिजल्ट चाहिए उस जगह में आप क्लिक करें। जैसे मैंने यहाँ पे सेल में जा करके क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद में आप फॉर्मूला को टाइप करना चालू करें। फॉर्मूला है इजकल टू। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने की पहले आपको इजकल टू लगाना पड़ेगा। ये एक्सेल का एक रूल्स है। अगर आप इजकल टू नहीं लगाते हैं तो वो फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। और हम लोग आने वाले दिनों में बहुत सारे एडवांस फॉर्मूला को भी देखेंगे, सीखेंगे इसमें। तो पहला है, लिखता हूँ हमने एस यू एम, सम लिखा, क्योंकि हम लोग को जोड़ना है, जोड़ने का फॉर्मूला होता है सम। सम के बाद आप एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकन है, वहाँ पे भी आप लोग क्लिक कर दें, क्योंकि अभी मैं और भी, ये बेसिक एक्सेल अभी चल रहा है, मैं इसके साथ और भी एडवांस फॉर्मूला को मैं आप लोगों के सामने ले करके आऊँगा। तो जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आपने बेल आइकन पे प्रेस करके रखा है तो। लेकिन मुझे यहाँ पे पूरे इस रो को करना है, तो आप माउस से यहाँ क्लिक करें और माउस को ड्रैग करके आप यहाँ तक ले आएँ। ले आने के बाद आप देखिए यहाँ पे आ गया J5। इसको आप ब्रैकेट बंद कर दें और एंटर दबा दें, तो यहाँ का जितना भी कैलकुलेशन का जो आंसर है वो आपका यहाँ पर आ गया। अभी मुझे सारे यहाँ पे जितने रोज़ हैं सब में मुझे करना है, क्योंकि हर किसी का मुझे ऐड करना है। तो हर किसी में जा करके आपको अभी फॉर्मूला लिखने का ज़रूरत नहीं है। एक्सेल में जब हम लोग एक सेल में फॉर्मूला लगाते हैं और उसी सेल को आप, ये कॉर्नर में देखिए, जब माउस मेरा चेंज हो रहा है, जब मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ तो प्लस का साइन आ रहा है, आप यहाँ पे ले जा करके आप माउस से नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिए इसको यहाँ तक। अभी देखिए पूरा का पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे बॉर्डर भी डाल दिया, थोड़ा तो देखने में अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया कि हम इधर से इधर को जोड़ने का एक तरीका। अभी इधर से इधर का जोड़ने का तरीका क्या है, तो सेम यहाँ भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इजकल टू एस यू एम सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से जा करके यहाँ तक इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे। एंटर दबाने के बाद फिर से इसको यहाँ से हम यहाँ तक इसको कॉपी करके ड्रैग कर देंगे, तो ये मेरा आंसर जो है इधर का मेरा सेम टू सेम इधर आ गया। हाँ चलिए, हालांकि इसका ज़रूरत नहीं है जोड़ने के लिए यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से अगर जोड़ना हुआ तो किस तरह से कर सकते हैं। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है। जैसे मान लीजिए मैं ये सबको टोटल कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ सिर्फ। तो अगर मुझे इसको पूरा कैलकुलेशन करना है तो आप यहाँ पे देखिए ऑटो सम है, ऑटो सम पे क्लिक कीजिए जा करके, तो ऑटोमेटिकली ये आपके पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। आप सिर्फ इंटर दबाइए, आपका पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ये हो गया यहाँ पे शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करने का। फॉर्मूला में जाइए और फॉर्मूला में जाने के बाद में यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन FX लिखा हुआ है, तो इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक कीजिए और इसका शॉर्टकट होता है Shift F3। Shift F3 जब प्रेस करेंगे तो इस तरह से डायरेक्ट आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाएगा।
अभी यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को सम करना है, तो सम यहाँ पे टाइप कीजिए। यहाँ पे नीचे में देखिए सम लिखा हुआ आ गया, तो सम पे जस्ट क्लिक करके, जैसे ही आप क्लिक करके ओके करेंगे तो आपके सामने ये बॉक्स खुल करके आ जाएगा। ये बॉक्स खुल के आने का मतलब क्या है, नंबर वन जो आप वहाँ पर देख रहे थे नंबर वन, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये आ गया है। अगर ये नहीं आता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अगर ये नहीं आता है तो आप फिर से इसको यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में आप जब ओके करेंगे तो आपके सामने में ये यहाँ पे आ गया। अभी जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्मूला दिख रहा है, फिर से वही प्रोसेस, यहाँ से पकड़िए, ड्रैग कर दीजिए, आपका पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी अंक को, डिजिट को, अगर हम लोग सम करना चाहते हैं, ये आसान सा तरीका है ऐड करने के लिए, सम कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल में। और एक बात और दोस्तों, कि अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, ब्लैक कलर का जो लाइक बटन है उसको आप लोग नीला कलर करके जाएं, और अपनी मीठी मीठी बातों को, अगर आप लोग के पास कुछ है हमें बताने के लिए कि किस तरह से हम और भी बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने प्यारी प्यारी भाषा से वहाँ पे आप हमें कमेंट लिखिए, ताकि मैं और भी अच्छी से अच्छी वीडियो को आप लोग के सामने लेकर के आ सकूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए।